हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट टुडे वी विल डिस्कस क्लास सिक्स साइंस बेटा चैप्टर नेम इज फाइबर टू फैब्रिक के डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आज की वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर वन ये आपको कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक आपने बताना है कौन सा फाइबर नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है सो फर्स्ट इज नायलन नायलन जो है हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है सिंथेटिक फाइबर है ठीक है सो नायलन क्या है क्या आप लिखोगे सिंथेटिक बी कम्स वूल वूल जो है आपका नेचुरल है क्योंकि ये आपको किससे मिलता है शीप से मिलती है एनिमल से मिलता है फाइबर और ये शीप से मिलता है इसलिए ये नेचुरल फाइबर है नेक्स्ट कम्स कॉटन कॉटन भी आपका नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो कॉटन प्लांट से मिलता है राइट देन कम्स सिल्क सिल्क भी आपका नेचुरल है ये आपको सिल्क से मिलता है देन इज पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर जो है वो आपका सिंथेटिक है वो नेचुरल नहीं है ये किसी प्लांट या एनिमल से आपको नहीं मिलता है नेक्स्ट इज जूट जूट जो है वो आपका नेचुरल है क्योंकि ये आपको प्लांट फाइबर है प्लांट से मिलता है ठीक है बेटा नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर टू ये आपको कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है सो फर्स्ट इज यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स यस इट इज ट्रू क्योंकि जो हमारा यान जो है वो फाइबर से बनता है जो आपका आ, फाइबर है वो आपका मतलब फर्स्ट स्टेज है जिससे आपकी फाइबर से आपका यान हम बनाएंगे और यान से फिर हम अपना फैब्रिक बनाते हैं सो इट इज ट्रू बी इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स स्पिनिंग जो आपका प्रोसेस है उससे फाइबर बनता है नो no. स्पिनिंग से आपका फाइबर नहीं बनता है फाइबर तो आपको ऑलरेडी मिलता है नेचुरल है वो ठीक है फाइबर के ऊपर प्रोसेसिंग होती है फिर उससे आपका आगे यान और आपका फैब्रिक बनता है तो स्पिनिंग वो प्रोसेस में नहीं आता है इट इज फॉल्स नेक्स्ट इज जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट क्या जूट आपकी कोकोनट की आउटर कवरिंग है नो no, जूट जो है कोकोनट भी आपको प्लांट से मिलता है बट जूट की जो आउटर कवरिंग है सॉरी uh, कोकोनट की जो आउटर कवरिंग है उससे आपकी जूट नहीं बनती है जूट का अलग प्लांट लगता है सो आंसर इज फॉल्स राइट नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग जो प्रोसेस से आप कॉटन के मतलब कॉटन प्लांट पे लगती है सीड्स के आसपास बॉल बनी हुई होती है आप जो सीड से कॉटन रिमूव करते हो उस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं यस इट इज ट्रू नेक्स्ट कम्स ऑफ मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक अगर आप यान को वीव करते हो तो क्या आपका फैब्रिक बनता है यस इट इज ट्रू सिल्क फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट सिल्क फाइबर आपको प्लांट की स्टेम से मिलता है नो सिल्क फाइबर आपको वहां से है? Silk से animal से मिलता मिलता है uh, so, answer is false. वो synthetic fiber है सिल्क एनिमल सो पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर नो पॉलिएस्टर इज नॉट अ अचुरटिक फाइबर है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपका आ रहा है फिलिंग ब्लैंक्स में तो ये क्या कह रहा है प्लांट फाइबर्स आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश प्लांट फाइबर्स कहां से मिलते हैं आपको कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है और जूट प्लांट से आपको जूट मिलती है ठीक है नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर्स आर डैश डैश एंड एनिमल फाइबर्स कौन से फाइबर पूछा उन्होंने तो फाइबर हमें कौन सा मिलेगा वूल एंड सिल्क उन्होंने एनिमल्स के नाम नहीं पूछे हैं फाइबर पूछा फाइबर ये ध्यान रखना है जब उन्होंने फाइबर पूछा तो उन्होंने आपने फाइबर का नाम लिखना है वूल एंड सिल्क अगर उन्हें उन्होंने एनिमल्स के नाम पूछा है तो आप वो लिखोगे शीप एंड सिल्क फॉर्म ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फ्रॉम ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट और प्लांट फाइबर है कहाँ कहाँ से मिलती है कॉटन जो है कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कॉटन सीड्स विच इज इट्स फ्रूट कॉटन प्लांट में जो फ्रूट लगता है उस वो जो है आपकी कॉटन बॉल्स होती हैं और उसकी जब आप जो कॉटन बॉल्स हैं वो बॉल्स के अंदर सीड होता है सीड को रिमूव कर दोगे तो आपकी गिनिंग के प्रोसेस से वो आपकी कॉटन आ जाएगी ठीक है वो सरफेस ऑफ कॉटन सीड से आपको मिलती है कॉटन देन कम्स उन्होंने पूछा जूट जूट कहाँ से मिलती है जूट आपको प्लांट की स्टेम से मिलती है ठीक है Here comes a question number five. वो कह रहे हैं, name two items that are made from coconut fibre. अब जो coconut है, coconut fibre से हमारी कौन सी दो मेन चीजें बनती हैं, वो आपकी बन जाती हैं ropes and mats. ठीक है, रस्सियाँ भी बनती हैं और आपके mats भी बनते हैं cotton fibre से. Now come to question number six. Explain the process of making yarn from fibre. कैसे जो आपका यान है वो फाइबर से कैसे बनता है वो पूरा प्रोसेस डिस्कस करना सो आंसर फाइबर्स आर आर टाइनी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जो आपका यान है वो किससे बनेगा फाइबर से बनेगा जो आपको फाइबर आपको मिलता है तो जो मेन स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या होता है यान को बनाने का फाइबर्स को कलेक्ट करने का होता है वो जो इसलिए आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है और फाइबर्स के ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है जिससे आपकी यान जो है फाइबर में कन्वर्ट होती है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ कॉटन वूल इज ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज अ रिजल्ट फ्रॉम द फाइबर्स जो आपकी कॉटन है वो बहुत सारी कॉटन जो है आप ले लेते हो निकालते हो अच्छी क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी कॉटन की ले लेते हैं और उसको फिर हम ट्विस्टिंग करते हैं करते हैं और उससे जो है आपका टन बन जाता है फाइबर से ठीक है तो ये आपने एक्सप्लेन करना है इसमें सो दिस इज ऑल अबाउट टू वीडियो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग